ठीक है, रिकॉर्ड कर दिया। ओके, स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स, देखिए कल हमने जेनेटिक्स जब पढ़ी थी तो आपको उसमें हमने कुछ बातें बताई थी, आज उसी के आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। आपको पता है मेल का सिंबल ये होता है और फीमेल ऑर्गेनिज्म का सिंबल ये होता है। कल मैंने आपको मॉडल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो, कि वो ऑर्गेनिज्म्स जिन पे जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनको मॉडल ऑर्गेनिज्म्स बोलते हैं। मैंने 6 मॉडल ऑर्गेनिज्म आपको बताए थे। तो मॉडल ऑर्गेनिज्म्स में भी दो तरीके के देखिए होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल। मेल के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं, मेल के लिए, और फीमेल के लिए, फीमेल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं। अब मेल के लिए इस सिंबल को क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है उसका? देखिए, ये जो सिंबल है ये शो करता है स्पियर एंड शील्ड, मतलब भाला और ढाल, तो इसीलिए मेल का सिंबल ये होता है। जबकि ये फीमेल का सिंबल इसलिए होता है क्योंकि पुराने जमाने में जो शीशे बनते थे, जो मिरर होता है, शीशे बनते थे, वो कॉपर के बनते थे और वो कुछ ऐसे दिखते थे, जिसको आप दर्पण बोलते हैं, वो कुछ ऐसे दिखते थे और यहाँ पर उनमें हैंडल होता था ऐसा। ये पूरा कॉपर का होता था, यहाँ पर पॉलिश होती थी। तो कॉपर के जो शीशे होते थे, मिरर, वो साज सज्जा श्रृंगार इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इस सिंबल को फीमेल के लिए यूज किया है। तो ये शायद बात आप लोग को ना पता हो, लेकिन आज के बाद आप इसको भूलिएगा मत कि मेल का सिंबल ये क्या होता है, स्पीयर, SPEAR, स्पीयर मतलब भाला, भाले का सिंबल है, और ये शील्ड है मतलब ढाल, जिसको आप ढाल बोलते हैं। तो ढाल और भाला जो होता है वो मेल के लिए यूज किया जाता है। एक और वजह है ये सिंबल्स मेल और फीमेल के लिए यूज करने की, ये रिप्रेजेंट करता है मार्स को, मार्स मंगल ग्रह को, और ये रिप्रेजेंट करता है वीनस ग्रह को। तो मेल और फीमेल के सिंबल वीनस और मार्स से भी लिए गए हैं। आगे देखते हैं आप, हम जब भी ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो मेल की भी बात करेंगे और फीमेल की, वहां पर हम अब सिंबल्स का ही यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चों को सिंबल्स में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यही बताया। आज कल मैंने आपको क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था, आपको याद हो, क्रोमोसोम्स के बारे में। आज थोड़ा क्रोमोसोम के बारे में एक जानकारी और दे देता हूं कि क्रोमोसोम के टाइप, कितने टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखिए, क्रोमोसोम कैसा दिखता है पहले ये समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि एक लंबी आर्म होती है, एक छोटी आर्म होती है। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये सेंट्रोमियर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। ये इसकी पी आर्म होती है, ये इसकी क्यू आर्म होती है। अब ये क्रोमोसोम जनरली कैसा होता है स्ट्रक्चर में, कितने टाइप का होता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, वो हम समझेंगे। ये क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है मेटासेंट्रिक, MET, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का दिखता है, उसकी एक आर्म ये होगी और इतनी ही बड़ी दूसरी आर्म होगी। इन दोनों आर्म का साइज बिल्कुल बराबर होगा और ये जो सेंट्रोमियर होगा ये ठीक बीच में होगा। तो इस तरीके का क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है। दूसरा जो टाइप है क्रोमोसोम का वो होता है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसकी नीचे वाली आर्म बड़े साइज की होगी और ऊपर वाली जरा छोटी होगी, यानी कि जो सेंट्रोमियर होगा वो थोड़ा एक तरफ को खिसका हुआ होगा, बिल्कुल बीच में नहीं होगा। तो ऐसे क्रोमोसोम को सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। तीसरा
टाइप का जो क्रोमोसोम होता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो होता है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं, देखिए नीचे की एक आर्म तो होगी जिसको आप क्यू आर्म बोलते हैं, सेंट्रोमियर होगा, लेकिन पी आर्म बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, तो ऐसा लगेगा सेंट्रोमियर जो है वो पूरा एक तरफ अच्छी तरीके से शिफ्ट हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए कंप्लीट इसका एक शिफ्टिंग नहीं हुई है, अभी भी थोड़ी गुंजाइश बची हुई है, तो वो गुंजाइश पूरी हो जाती है चौथे टाइप के क्रोमोसोम में जो कहलाता है टीलोसेंट्रिक। तो क्या कहलाता है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, एक ही आर्म होती है और उसके एंड पे सेंट्रोमियर होता है, दूसरी आर्म ना के बराबर होती है या होती ही नहीं है, तो ऐसे क्रोमोसोम को टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। तो चार तरीके के क्रोमोसोम हमने पढ़े, पहला पढ़ा मेटासेंट्रिक, दूसरा पढ़ा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा पढ़ा हमने एक्रोसेंट्रिक, और चौथा क्रोमोसोम हमने पढ़ा टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर ठीक मिड पॉइंट पे होगा बीच में, सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है वो जरा सा एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो आर्म जो होती है पी और क्यू आर्म वो बराबर नहीं रह जाती, इसमें साफ देखा जा सकता है कि पी आर्म छोटी है और क्यू आर्म थोड़ी बड़ी है। एक्रोसेंट्रिक में ये शिफ्टिंग थोड़ा एक स्टेप और आगे चले जाती है, पी आर्म काफी छोटी हो जाती है, क्यू आर्म काफी बड़ी हो जाती है, और टीलोसेंट्रिक में एक ही आर्म होती है क्रोमोजोम की, इसको पी आर्म बोला जाता है क्योंकि क्यू आर्म इसमें है नहीं, कोई दूसरी आर्म, तो जिसमें एक ही आर्म होगी उसको सीधे पी आर्म बोलेंगे हम, तो सिर्फ एक ही आर्म देखने को मिलती है और उसमें सेंट्रोमियर एक कोने में होता है। बाय द वे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये अगर बीच का हिस्सा जो क्रोमोसोम का होता है ये सेंट्रोमियर कहलाता है, ये जो एंड पॉइंट होते हैं क्रोमोसोम के ये टीलोमेयर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, टीलोमेयर, याद रखिएगा। आपकी एज जो है उम्र, आपका बुढ़ापा कितनी कितने साल में आएगा, कितने वर्ष में आएगा, वो ये टीलोमेयर डिसाइड करता है। एक बहुत बड़ी रिसर्च है, कभी फुर्सत होगी तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, वैसे जेनेटिक्स में कभी आगे मौका मिलेगा हमको ये पढ़ने का, टीलोमरेज एक एंजाइम होता है उसके बारे में, तब हम वहां पर पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है किसी को, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अब इसी में एक टर्म और होती है जिसको आप बोलते हैं कैरियोटाइप, जेनेटिक्स के अंदर बहुत बेसिक जेनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, कोई हाईफाई जेनेटिक्स नहीं स्टार्ट हुई है अभी, तो ये आपको पता होना चाहिए कैरियोटाइप। देखिए क्या होता है, ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो मान लीजिए ये एक सेल है या ये एक ह्यूमन सेल है मान लीजिए, तो इसमें टोटल 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम्स में से 23 इसको मदर से मिले हैं और 23 क्रोमोसोम इसको फादर से मिले हैं। ये कंडीशन डिप्लॉइड कंडीशन कहलाती है, डिप्लॉइड याद रखिएगा ये टर्म, डिप्लॉइड एक्सक्यूज मी 2n कंडीशन इसको बोलते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन, DIPLOID, डिप्लॉइड कंडीशन, जहां दोनों सेट प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के। और दूसरी कंडीशन कहलाती है हैप्लॉइड कंडीशन, हैप्लॉइड कंडीशन जो ये है N, ये बात याद रखिएगा। तो जब हम क्रोमोसोम्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमको एक सेट क्रोमोसोम का ये दिखता है और एक सेट क्रोमोसोम का ये दिखता है। मान लीजिए ये तो ह्यूमन सेल की बात है, 46 क्रोमोसोम की बात है, अब मैं 46 क्रोमोसोम तो यहां ड्रॉ नहीं कर सकता, तो हम अपनी सुविधा के लिए यहां पर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म चुनते हैं जिसमें सिर्फ
फोर क्रोमोजोम है, सिर्फ फोर है। टू इसको इसकी मदर से मिले हैं और टू इसको इसकी फादर से। वो टू क्रोमोजोम ये है, पहला क्रोमोजोम इसका ये है और दूसरा क्रोमोजोम इस तरीके का है। अब क्योंकि ये वाला सेट इसको इसकी मदर से मिला है तो फादर से भी यही सेट मिला मिलेगा सेम ऐसे ही क्रोमोजोम का। तो पहला क्रोमोजोम ये है और दूसरा क्रोमोजोम ये मान लीजिए। मैं सुविधा के लिए इनको कलर कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक रेड वाला क्रोमोजोम है नंबर वन क्रोमोजोम और दूसरा वाला मान लीजिए येलो क्रोमोजोम है, ये है ये वाला और ये रेड है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे इसको। तो जब आप क्रोमोजोम को अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, आप क्या करेंगे, एक रेड वाले के बगल में रेड वाले को रख देंगे और येलो वाले का पेयर बना के येलो वाले के साथ रख देंगे। अब येलो वाला यहाँ पर कलर बहुत अच्छी तरह दिख नहीं पा रहा है तो हम इसको थोड़ी देर के ब्लैक ही कर लेते हैं। चलिए, तो ब्लैक वाले क्रोमोजोम के सामने आप ब्लैक वाला रख देंगे। तो इस तरीके का अरेंजमेंट जब आप करेंगे और इसकी फोटो खींचेंगे तो वो इस ऑर्गेनिज्म का जिसमें चार क्रोमोजोम थे डिप्लॉयड स्टेट में, वो इसका कैरियोटाइप कहलाएगा, कैरियोटाइप कहलाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम कैरियोटाइप पूछते हैं तो वो ये होता है कि उसके क्रोमोजोम्स को अरेंज कर देते हैं, उसके क्रोमोजोम के दोनों सेट, एक सेट ये क्रोमोजोम हो गया जो उसकी उसकी मदर से मिला है और एक सेट ये क्रोमोजोम हो गया। तो दो सेट क्रोमोजोम के प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। कल मैंने आपको बताया था कि एक सेट में मिलने वाला टोटल डीएनए या टोटल जीन, टोटल जीन्स, कल आपको बताया था, आपको याद हो, टोटल जीन एक सेट में प्रेजेंट होती हैं, उनको बोला जाता है जीनोम, 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 कल बताया था ना, तो वो यही yes, इस एग्जांपल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो कैरियोटाइप क्या होता है कभी मत भूलिएगा, कैरियोटाइप एक तरीके की फोटोग्राफ है क्रोमोजोम की, लेकिन वो फोटोग्राफ रैंडम नहीं है, मतलब कोई भी क्रोमोजोम कहीं से उठा के कहीं पर रख के फोटो खींच दिया, ऐसा नहीं होता। कैरियोटाइप बहुत एक स्टैंडर्ड चीज है, अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्रोमोजोम को एक दूसरे के बगल में रखना पड़ता है, एक सेट के साथ उसका दूसरा पेयर रखना पड़ता है, तो जाके आपका कैरियोटाइप तैयार होता है। बाय द वे, ये क्रोमोजोम रेड वाला और ये एक जोड़ा बनाता है, पेयर, ठीक है, ये एक जोड़ा बनाता है, उस पेयर को बोल देते हैं होमोलोगस पेयर, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, होमोलोगस पेयर, क्योंकि वो एक से हैं क्रोमोजोम, ठीक है। जैसे रेड वाले के साथ रेड कर दिया तो ये एक होमोलोगस पेयर है, ऐसे ही ये एक होमोलोगस पेयर है। तो क्रोमोजोम इस तरीके से पेयर में होता है, पेयर का एक हिस्सा मदर से मिलता है और एक हिस्सा फादर से मिलता है, इसको कभी मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो कैरियोटाइप आई थिंक आ गया होगा समझ में आप लोग को, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक्स में जो आता है, जहां से जेनेटिक्स थोड़ी स्टैंडर्ड की होती है, थोड़ा अच्छा होती है, वो होता है सेल डिवीजन। देखिए, सेल डिवीजन तो हम पढ़ेंगे जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, इसके बाद जेनेटिक्स के बाद हमारी सेल बायोलॉजी स्टार्ट होगी, ठीक है। सेल डिवीजन हम पढ़ लेंगे लेकिन एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ। ये एक सेल है, ऑलराइट, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस, यहां पर इसका क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड भरा होता है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है और ये इसका न्यूक्लियस है। अगर ये प्लांट सेल होता, अगर मान लीजिए प्लांट सेल होता तो इसके बाहर एक और इस तरीके की कवरिंग होती जिसको आप सेल वॉल बोल देते, क्या बोल देते, सेल वॉल, अगर ये प्लांट सेल होता या फंगस का सेल होता, क्योंकि ये एनिमल सेल है तो इसमें सेल वॉल नहीं होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब ये सेल डिवाइड करता है तो ये एक सेल है, जब ये डिवाइड करता है तो ये दो सेल बनाता है, एक ये, जानते हैं इन दो सेल्स को डॉटर सेल्स बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, डॉटर मतलब बेटी, पुत्री, ठीक है। डॉटर क्यों बोला गया है, कोई मुझे बता सकता है,
देखिए बर्थ देने का जो नेचर ने जिसको वो प्रोवाइड कर रखी है फैसिलिटी, वो सिर्फ फीमेल है, ठीक है? तो एक सेल नए सेल को बर्थ दे रहा है, मेल कभी बर्थ नहीं देता है। तो इसीलिए इन सेल्स को डॉटर सेल्स बोला है, क्योंकि आगे चल के ये सेल बड़े होंगे तो अपने में से एक और सेल निकालेंगे, तो इसीलिए इनको डॉटर सेल्स बोला जाता है, और ये पेरेंट सेल कहलाता है, ये वाला। जो बात मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जब भी सेल डिवाइड होके दो सेल बनाता है तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो दोनों में आधा आधा बढ़ जाता है, मतलब एक सेल में पेरेंट सेल का हाफ साइटोप्लाज्म मिलता है, लगभग लगभग ऐसा। बिल्कुल अगर आप पिन पॉइंट मान के चलें तो बराबर बराबर इक्वल तो होता नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे इक्वल साइटोप्लाज्म दोनों सेल्स में बढ़ता है। तो हम मान के चलते हैं आधा साइटोप्लाज्म एक को मिला है और आधा साइटोप्लाज्म दूसरे को मिला है, तो साइटोप्लाज्म तो आधा आधा हो गया। लेकिन मजे की बात यह होती है कि न्यूक्लियस का साइज में कोई बदलाव नहीं होता, सेल भले ही छोटे होते हैं लेकिन न्यूक्लियस का साइज जो पेरेंट सेल में था वही डॉटर सेल्स में होता है। ये आपने बात किसी किताब में नहीं सुनी होगी, याद रखिएगा, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत अच्छी जेनेटिक्स की जो किताबें होती हैं उनमें ये बात कहीं पर हो सकता है लिखी हो, पर इस बात को आप याद रखिएगा कि न्यूक्लियस के साइज में बदलाव नहीं होता है। जो न्यूक्लियस ये है डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, आगे ये भी डिप्लॉइड न्यूक्लियस होंगे, इसलिए उनका साइज सेम होता है, जबकि साइटोप्लाज्म आधा हो जाता है। मिटा दूं इसे? इसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं। एक चीज और, बायोलॉजी के अंदर डिवीजन, सेल डिवीजन और सेल मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एक ही चीज होती है, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक हो जाते हैं। बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है, तो ये बात आप याद रखिएगा, कहीं पर सेल डिवीजन लिखा रहता है, कहीं पर सेल मल्टीप्लिकेशन लिखा रहता है, वो दोनों एक ही हैं। एक ही का मतलब क्या है कि एक सेल से दो नए सेल बनना, ठीक है? आगे देखते हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां सेल के सारी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स आपको, अगर एक बार जेनेटिक्स आपको पकड़ में आ गई ना तो आपकी आधी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। जेनेटिक्स इतनी अच्छी चीज है और इसीलिए मैंने पहले इसको चुना है, ताकि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजी पढ़ पाए, ज्यादा से ज्यादा चीजें अचीव कर पाए। जो पहले कोई और सब्जेक्ट, कोई कुछ और टॉपिक पकड़ लेते हैं, उनका सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है, नॉलेज भी अधूरी रह जाती है, तो जेनेटिक्स पढ़नी बहुत जरूरी है। अब देखिए, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन बेसिकली बायोलॉजी के अंदर दो तरीके का देखा जाता है। पहला तरीका होता है माइटोसिस बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? माइटोसिस। और दूसरा माइटोसिस, होता है मियोसिस। मियोसिस, आपने पढ़ा होगा, आपने नाम सुना होगा, पहला तरीका यस माइटोसिस, सर, दूसरा मियोसिस। ओके, दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम माइटोसिस को डिस्कस करते हैं। मैं डिटेल में तो यहां पर इसको करूंगा नहीं डिस्कस, आगे ही करेंगे, मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए, ये एक सेल है, ऑलराइट? ये डिप्लॉइड सेल है। कैसा सेल है? डिप्लॉइड। जब ये डिवाइड होगा तो ये दो सेल बनाएगा, तब ये दो सेल बनाएगा, और ये दो सेल जो नए बनाएगा ये भी क्या होंगे? डिप्लॉइड सेल होंगे। तो इस तरीके का सेल डिवीजन जब होता है तो वो माइटोसिस कहलाता है। अब मियोसिस क्या होता है? मियोसिस थोड़ा सा अलग होता है। ये एक सेल है, इसने एक बार डिवाइड किया तो इसने दो सेल बनाए, फिर ये दो सेल भी डिवाइड करते हैं आगे चल के, और हमको टोटल चार सेल देखने को मिलते हैं इस तरीके के डिवीजन में। चला, शुरू तो ये डिप्लॉइड स्टेट से हुआ था, लेकिन जब इसको डॉटर सेल्स मिले तो वो सारे के सारे हैप्लॉइड मिले, उनमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो चुका था। तो इस तरीके का सेल डिवीजन जब होता है तो वो मियोसिस कहलाता है। ये पहला डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन, और ये दूसरा डिवीजन होता है। तो मियोसिस के अंदर दो डिवीजन होते हैं, मियोसिस, मियोसिस वन, और दूसरा क्या होता है? मियोसिस टू। तो दोनों डिवीजन लगातार एक के बाद एक होते हैं, और
हमको आउटपुट जो देखने को मिलता है, रिजल्ट देखने को मिलता है, वो देखने को ये मिलता है कि 4 डॉटर सेल्स देखने को मिलते हैं, जबकि माइटोसिस के अंदर हमको सिर्फ 2 डॉटर सेल्स देखने को मिले। अब अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि एक शरीर में मियोसिस कहां पर होता है और माइटोसिस कहां पर होता है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहां पर? ठीक है, देखिए बॉडी जो होती है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसमें 2 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं सोमैटिक सेल्स। क्या पहला पाए जाते हैं? सोमैटिक सेल्स। और दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है जर्म सेल्स की। ठीक, जर्म सेल्स क्या होते हैं? अगर ऑर्गेनिज्म मेल है तो जर्म सेल्स स्पर्म होते हैं, स्पर्म्स, और अगर ऑर्गेनिज्म फीमेल है तो वो एग होता है, या ओवा जिसको आप बोल देते हैं, या ओवम बोल देते हैं, तो जर्म सेल्स वो होते हैं। इन दोनों सेल्स को छोड़ के शरीर के बाकी के सारे सेल्स सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं। आपकी आंख में जो सेल होगा वो सोमेटिक सेल होगा, आपकी स्किन में जो सेल होगा वो सोमेटिक सेल होगा, आपकी टंग में जो सेल होगा वो सोमेटिक सेल होगा, ब्रेन का सेल जो होगा वो सोमेटिक सेल होगा। तो शरीर के सारे सेल सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं। और 2 स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो जर्म सेल्स कहलाते हैं। मेल में स्पर्म्स होते हैं और फीमेल में एग या ओवा, और ये जर्म सेल्स होते हैं। तो सोमेटिक सेल्स हमारे पास जितने भी हैं शरीर में, उनमें सिर्फ माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो सोमेटिक सेल्स, देखिए सोमेटिक सेल्स की खास बात क्या होती है शरीर में, सोमेटिक सेल्स डिप्लॉयड होते हैं और इनमें सिर्फ माइटोसिस होता है, जबकि जर्म सेल्स जो होते हैं, जर्म सेल्स यहां ये हैप्लॉइडी अचीव करते हैं, याद रखिएगा, इनमें क्रोमोसोम नंबर आधा होता है और इनमें मियोसिस होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब माइटोसिस की फेज होती है मियोसिस की, वो हम सेल डिवीजन, जब हम सेल के बारे में जब हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी, वहां समझाऊंगा आपको अच्छी तरह। अब आज से हम थोड़ा मेंडल के लॉ स्टार्ट करते हैं, मेंडल के नियम और जेनेटिक्स से जुड़ी हुई और जानकारी। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे तुरंत पूछ ले। और एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, कोई आप लोगों की अगर कोई एक ऐसी बुक हो, स्पेसिफिक बुक हो, जिससे आप लोग अपनी एलटी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके बारे में मुझे बता दें, मैं उससे भी आपको पढ़ा सकता हूँ, अगर आपको ये बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है। क्योंकि अगर आप इतना तो बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा भाई, कोई भी एग्जाम में बैठो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, तो बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट बातें हो। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? नो सर। ठीक है, आगे देखें। ठीक है, अब देखिए मेंडल की बात फिर से शुरू हो गई। मेंडल की साइंस, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, मेंडल ने अपने नियम दिए थे, कब दिए थे? 1866 में। मेंडल ने 3 नियम दिए थे जेनेटिक्स के। पहला क्या था, कोई बता सकता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या दिया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा क्या दिया था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। और तीसरा लॉ दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉ आपको पता होने चाहिए
लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं. स्टार्ट करें? यस सर. ठीक. ठीक है. देखिए पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस. मेंडल ने कहा कि अगर आप एक कोई कैरेक्टर लेते हैं, कोई एक कैरेक्टर, कैरेक्टर को ही बाय चांस बाय द वे ट्रेड भी बोला जाता है, ठीक है. तो कोई आप एक कैरेक्टर रहते हैं तो वो हमेशा अपनी दो फॉर्म में रहता है. दो उसकी वैरायटी होती है. दो उसकी क्या होती है? वैरायटी होती है या फॉर्म होती है या उसके दो वर्जन होते हैं, ठीक. तो एक वर्जन ये होगा और एक वर्जन ये होगा. तो हमेशा कोई भी चीज दो अपनी वैरायटी में रहता है. इसको इस तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए एक कैरेक्टर है कलर, रंग, ठीक है. अब रंग किसी भी फूल के, किसी भी कोई फूल है उसके रंग को अगर हम लेके बात करें तो वो या तो रेड कलर का होगा या वाइट कलर का होगा. मैं ये नहीं कह रहा दो ही कलर का होगा, दो से ज्यादा भी कलर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम दो ही कलर मान के चलेंगे. तो एक पेड़ में उन्होंने ये पाया कि फूल जो है वो रेड कलर के भी लग रहे हैं और वाइट कलर के भी लग रहे हैं. वैसे रेड और वाइट नहीं था, पर्पल वॉयलेट करके अलग रंग थे जेनेटिक्स के ये एक्सपेरिमेंट्स में. हम रेड और वाइट करके समझेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ बोर्ड में रेड कलर का ऑप्शन है. तो ठीक है, इसको समझते हैं. तो उन्होंने ये पाया कि जब भी हम क्रॉस करवाते हैं एक वैरायटी का दूसरी वैरायटी के साथ तो हमेशा एक ही कलर के फूल देखने को मिलते हैं. मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लांट लिया जिसमें रेड कलर के फ्लावर थे, उसको उन्होंने क्रॉस कराया ऐसे प्लांट के साथ जो वाइट कलर का था. तो जब भी इनका क्रॉस होता था तो आगे जो जनरेशन मिलती थी वो उनको हमेशा रेड कलर के फ्लावर ही मिलती थी. तो उनकी ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है. बहुत ज्यादा जब उनके पास डेटा इकट्ठा हुआ तब उन्होंने अपने कैलकुलेशन किए, तब उन्होंने ये पाया कि कोई भी कैरेक्टर अपनी दो वैरायटी में अवेलेबल होता है, वैरायटी नंबर वन और वैरायटी नंबर टू, और हमेशा एक वैरायटी दूसरी वैरायटी पे हावी होती है, डोमिनेंट होती है. इस वजह से एक वैरायटी अपने आप को एक्सप्रेस करती है और दूसरी वाली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है. इसी नियम को उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम दिया. अब इसको थोड़ी साइंटिफिक टर्म में समझेंगे. ये तो मैंने बहुत ट्रिवियल भाषा में आपको समझा दिया, थोड़ा सा इसको साइंस की भाषा में समझते हैं. देखिए उन्होंने बोला कि हम एक जनरेशन लेते हैं, इस जनरेशन को बोलते हैं पेरेंट जनरेशन. जब भी हम इसका क्रॉस कराते हैं, मान लीजिए ये रेड कलर का था और ये वाइट कलर का था, जब भी हम इसका क्रॉस कराते हैं तो यहां पर जो प्रोजेनी पैदा होगी, प्रोजेनी, उसको बोलेंगे F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन. इसका नाम होता है फर्स्ट, पहली, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन. तो ये जो F1 जनरेशन जो भी पैदा होगी वो हमेशा वही पैदा होगी जो कैरेक्टर अपने आप को डोमिनेंट स्टेट में रख पाएगा. मान लीजिए यहां पर रेड जो है वो डोमिनेंट है वाइट के ऊपर, तो इस पेड़ के सारे फूल रेड होंगे. ऐसा मेंडल ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया था. तो वहीं से उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम दिया था. ये बात समझ में आई? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? सर इसमें रेड की जगह व्हाइट भी हो सकता था डोमिनेंस. अभी कलर तो कोई भी डोमिनेंस हो जाएगा, हमने समझने के लिए रेड कलर को मान के चल रहे हैं. व्हाइट होता तो व्हाइट होती, कोई भी डोमिनेंट हो सकता है. जनरली व्हाइट जो होता है वो डोमिनेंट नहीं होता नेचर में, ठीक. अब वो क्यों नहीं होता है वो आगे, मतलब एक दो चैप्टर की बात और रह गई, वहां पर
तक हम पहुंच जाएंगे, आप जीन एक्सप्रेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपकी समझ में आ जाएगा कि वाइट कभी डोमिनेंट क्यों नहीं होता। ठीक है, तो फिलहाल हम मान के चलते हैं कि कलर जिसके पास होगा वाइट के अलावा वो डोमिनेंट होगा, और जो वाइट होता है वो डोमिनेंट नहीं होगा। तो यहां पर रेड और वाइट तो हमने एग्जाम्पल के लिए कलर चुने हैं, ठीक है, असली में कलर क्या थे वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, उसको फिर डिस्कस करेंगे। अभी आप खाली कॉन्सेप्ट समझिए। तो पेरेंट जनरेशन जो होती है उसके बाद कौन सी जनरेशन आती है, F1 जनरेशन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें हम समझेंगे, मेंडल का जो अगला एक्सपेरिमेंट, उसमें एक नई चीज निकल के आएगी। अब मेंडल क्या थे, क्योंकि देखिए साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करा दिया, और उनको जो जनरेशन मिली यहां पर उसको उन्होंने F2 जनरेशन का नाम दिया, ठीक है। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन को जब आपस में क्रॉस कराते हैं तो सेकंड फिलियल जनरेशन मिलती है, और इस सेकंड जनरेशन के जो रिजल्ट मिलते हैं, जो भी आउटपुट मिलता है, जो भी रिजल्ट मिलता है, वही जेनेटिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट का फाइनल रिजल्ट माना जाता है। ये यहीं पर से आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमेशा आपको जेनेटिक्स के जितने भी एक्सपेरिमेंट करने होंगे उनका रिजल्ट आप हमेशा F2 जनरेशन में ही देखेंगे। F1 जनरेशन के रिजल्ट को हम रिजल्ट नहीं मानते हैं, F2 जनरेशन के जो रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे उन्हीं को फाइनल रिजल्ट मानेंगे, और उन्हीं के बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलेंगे, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलेंगे। तो ये बात याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि किस तरीके से काम करता है जेनेटिक्स। देखिए जेनेटिक्स के अंदर मान लीजिए एक कलर है रेड और एक कलर है वाइट, ठीक है। तो ये रेड और वाइट को हम क्या बोलेंगे, रेड एलएल, क्या बोलेंगे, रेड एलएल, कल आपको बताया था मैंने, आपको याद हो तो। और वाइट को भी क्या बोलेंगे, वाइट एलएल, ठीक है। यानी कि वो जीन जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस जीन की दो वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है, एलएल नंबर वन और एलएल नंबर टू। एलएल नंबर वन हमारे पास मान लीजिए रेड है, तो एलएल नंबर टू हमारे पास वाइट है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि इनको रिप्रेजेंट किस इंग्लिश के लेटर से किया जाए, क्या इसको आर आर ऐसे लिखा जाए और इसको डब्लू डब्लू ऐसे लिखा जाए, या फिर इसको आर आर लिखा जाए और इसको स्मॉल लेटर्स में डब्लू और डब्लू ऐसे लिखा जाए, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो इसके लिए भी जेनेटिक्स के अंदर नियम होते हैं, वो अब हम समझ लेते हैं कि कैसे आपको एलएल को रिप्रेजेंट करना है कॉपी में, कोई भी एक्सपेरिमेंट में। जब आप कभी टीचर बनेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है रेड, ठीक है, और दूसरा है वाइट, और यहां पर आप मान लीजिए कि रेड जो है वो डोमिनेंट है वाइट पे, ये बात आप याद रखिएगा। तो अब नियम क्या कहते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ये मान के चलना होगा कि ये दोनों के दोनों डिप्लॉइड है, क्या मान के चलेंगे, डिप्लॉइड, ठीक है। तो जो डोमिनेंट होता है उससे मतलब नहीं है, जो रेसेसिव होता है उससे मतलब है। तो रेसेसिव का नाम यहां पर वाइट है तो हम लेटर जो चुनेंगे वो डब्लू चुनेंगे, जो रेसेसिव होगा उसको हमेशा स्मॉल लेटर में दिखाएंगे और उस रेसेसिव के डोमिनेंट वैरायटी को उसी लेटर के कैपिटल्स में दिखा देंगे, ऐसे। तो ये नियम होता है। पहला नियम समझ में आ गया आपके कि जो रेसेसिव होगा उसका ही पहला लेटर हम चुनेंगे और उसको हमेशा स्मॉल लेटर में दिखाएंगे क्योंकि वो रेसेसिव है, समझ में आया। और उसी का जो डोमिनेंट वैरायटी होगी उसको हम कैपिटल्स में कर देंगे, ये बात आप याद रखिएगा, ये पहला नियम है। दूसरा नियम आपने याद रखना है, आप यहां पर देख रहे होंगे कि मैंने W को एक बार ना लिख के दो बार लिखा है, यहां भी W स्मॉल W को दो बार लिखा है, ठीक। ये दो बार लिखने का मकसद ये है क्योंकि ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, एक W इसको इसकी मदर से मिला है और एक W इसको इसके फादर से मिला है। सेम गोज विद इट, एक W इसको इसकी मदर से मिला है और एक W इसको इसके फादर से मिला है,
ये डिप्लॉइड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम दोनों डबल लेटर्स का यहां पर इंग्लिश के डबल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब हम क्रॉस को समझते हैं इन लेटर्स के, ठीक है। हमने एक प्योर वैरायटी का रेड चुना, हमने क्या चुना, एक प्योर वैरायटी का रेड चुना, प्योर वैरायटी का रेड है तो वो ये होगा, और हमने प्योर वैरायटी का वाइट चुना, ये रेड है और ये क्या है, वाइट। ये बात आप याद रखिएगा, मैं रेड को रेड कलर से भी रिप्रेजेंट कर देता हूं ऐसे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि ये है पेरेंट जनरेशन, जब हमने इनका क्रॉस कराया तो हमको क्या मिलेगा। अब ये क्रॉस कराने का तरीका क्या है, देखिए एक पुन्नेट स्क्वायर बोलते हैं, वो आपको बनाना होगा। इस तरीके का स्क्वायर आप बनाएंगे, चार खाने उसमें बनाएंगे, एक कैपिटल डब्लू को यहां लिखेंगे, एक कैपिटल डब्लू को यहां लिखेंगे, एक स्मॉल डब्लू को यहां, एक स्मॉल डब्लू को यहां लिखेंगे। तो इससे इसको क्रॉस करा के यहां पर ऐसे कर देंगे, इससे इसको क्रॉस करा के कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो यहां पर आएगा कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, और यहां पर कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, इसको इससे क्रॉस करा के यहां पर, इसको इससे क्रॉस करा के यहां पर, इसको इससे क्रॉस करा के यहां, इसको इससे क्रॉस करा के यहां। तो ये एक तरीका होता है। तो हमारे पास जो F1 जनरेशन मिली वो हमको क्या मिली, सारी की सारी एक जैसी, 1, 2, 3 और 4 वैरायटी हमको देखने को मिली। पहली वैरायटी कैपिटल W स्मॉल W, दूसरा कैपिटल, एक ये थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं, हाँ कैपिटल W स्मॉल W, कैपिटल W स्मॉल W, कैपिटल W और स्मॉल W। तो हमको F1 जनरेशन में ये देखने को मिला। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए कि इस ऑर्गेनिज्म का ये एक सेल है, उसमें जो जीन है कलर के लिए, उसमें जो फादर से इसको मिली है वो कैपिटल W मिली है, और मदर से जो मिली है स्मॉल W मिली है। हर सेल में यही सिस्टम होगा, कैपिटल W और स्मॉल W। अब क्योंकि हम जानते हैं कि कैपिटल W जो है रेड कलर वो डोमिनेंट है स्मॉल W पे, तो ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे ये रेड कलर के ही होंगे, इसीलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको बोला गया कि सारे की सारी जितनी F1 प्रोजेनी आई वो हमारे पास रेड कलर की आई। ये पुनेट स्क्वायर फिर से समझा देता हूं एक बार, फिर से समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक। देखिए हमारे पास पेरेंट जनरेशन है क्या, ये ठीक है। अब हम इसका क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने के लिए सबसे पहली बात है कि इनके गैमेट्स बनाना, इनके गैमेट्स बनाना। गैमेट्स मतलब इसको एनिमल्स के रिस्पेक्ट में आप ऐसे समझ लिए कि स्पर्म और ओवा बनाना, स्पर्म और ओवा बनाना मतलब उनके हैप्लॉइड स्टेट में लाना। प्लांट्स में स्पर्म और ओवा तो होते नहीं है, पॉलन्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा समझना होगा। अब देखिए गैमेट्स कैसे बनते हैं, इसका एक गैमेट बनेगा ये, एक गैमेट बनेगा ये, एक गैमेट बनेगा ये और एक गैमेट बनेगा ये। तो आप एक बड़ा सा इस तरीके का स्क्वायर बनाएंगे, इसको पुन्नेट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। एक गैमेट को आप यहां लिखेंगे पेरेंट के, और दूसरे पेरेंट्स के गैमेट्स को यहां पर लिखेंगे। तो जब आप इससे इसको क्रॉस कराएंगे तो उसका रिजल्ट यहां लिखेंगे, इससे इसको क्रॉस कराएंगे तो उसका रिजल्ट यहां लिखेंगे। ऐसे ही जब आप इससे इसको क्रॉस कराएंगे तो उसका रिजल्ट यहां पर लिखेंगे, और इससे उस इस गैमेट को क्रॉस कराएंगे तो उसका रिजल्ट आप यहां पर लिखेंगे। तो जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे डब्लू डब्लू आया तो सभी एक से आएंगे इसमें, तो ये पुन्नेट स्क्वायर आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो हम आगे बढ़ते हैं वरना हम इसी में अटके रह जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखिए क्रॉस कराया तो हमको सारी की सारी जनरेशन ये मिली, F1 जनरेशन हमको सारी की सारी ये मिली, ऑल रेड, ऑल रेड। अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं
सेकंड क्रॉस कराते हैं इसका, F1 क्रॉस F1 कराते हैं ताकि हमको रिजल्ट पता चले जेनेटिक्स के रिजल्ट क्या होते हैं। अब हम F1 को F1 से क्रॉस कराएंगे। F1 हमारे पास क्या आया था, कैपिटल W स्मॉल W कैपिटल W स्मॉल W, तो वही फिर पुन्नेट स्क्वायर अगेन यूज करिए, कैपिटल W स्मॉल W कैपिटल W स्मॉल W। तो यहां पर हमको पहली जनरेशन हमको क्या देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा कैपिटल W और कैपिटल W। दूसरा हमको क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल W स्मॉल W। तीसरा हमको क्या देखने को मिलेगा, ये कैपिटल W है और ये स्मॉल W है, तो कैपिटल W स्मॉल W। और चौथा हमको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर स्मॉल W और स्मॉल W। तो हमको F2 जनरेशन जो मिली वो ये मिली। अब F2 जनरेशन जो मिली है हमको, उसका नतीजा क्या है, उसका मायने क्या होते हैं वो हम समझते हैं। देखिए इसमें रेड वाली जीन है, इसमें भी रेड वाली जीन है, तो ये रेड कलर का होगा, इसमें ये प्लांट के जितने ही फ्लावर होंगे वो रेड होंगे। अब इसमें कैपिटल W है, ये वाले में इसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल W है और स्मॉल W है। अब हम जानते हैं कि कैपिटल W जो है वो स्मॉल W पे डोमिनेंट है, तो इसके भी प्लांट के सारे फूल रेड होंगे। ऐसे ही इस प्लांट के भी सारे के सारे फूल क्या होंगे, रेड होंगे। लेकिन ये जो लास्ट वाला आया इसमें दोनों स्मॉल W आए। स्मॉल W का मतलब ये है कि कैपिटल W इसमें एबसेंट है, एबसेंट नहीं है, तो ये फ्लावर क्या आएगा, वाइट। तो ये रेशियो क्या आया, ये रेशियो क्या आया, 3:1। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो रेशियो आता है वो 3:1 आता है। जेनेटिक्स में से आपका इस चैप्टर का ये दूसरा क्वेश्चन बना। कल सिकल सेल एनीमिया बताया था, उससे एक क्वेश्चन बना कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का रेशियो क्या होता है, आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा, 3:1। यानी कि 3 रेड हैं और एक क्या है, वाइट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर 4 बच्चे किसी जानवर के पैदा हुए तो उसमें से 3 जो होंगे वो लाल होंगे और एक जो होगा वो सफेद होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है जेनेटिक्स में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको मैं बता देता हूं। पहले बताइए यहां तक समझ में आ गया, F2 रेशियो समझ में आ गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस का सबको आ गया समझ में, कोई तो बता दे। यस सर, आ गया। आ गया ना, तो F2 रेशियो 3:1 होता है। देखिए ये जो 3:1 है ना, ये प्रोबेबिलिटी बताता है। क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी। यानी कि 3 का मतलब होता है 75% और 1 का मतलब होता है 25%। ये एक खाना जो है ये 25% का होता है, ये 25%, ये 25%, ये 25%। किसी भी चीज को हम परसेंटेज में नापते हैं, 100% मतलब पूरा और 50% मतलब आधा। आपको पता होगा ये सब मैथ्स की, तो बेसिक मैथ्स है। तो ये जो रेशियो है ये प्रोबेबिलिटी बताता है। ये क्या प्रोबेबिलिटी बताता है कि F2 जनरेशन में अगर कोई पेड़ बना तो 75% चांसेस हैं कि उसमें फूल रेड आएंगे और 25% चांसेस हैं कि उसमें फूल वाइट होंगे। हाँ, ये चांस की बात बता रहा है। चांस की बात का मतलब ये होता है, आप एक चीज और समझ लो, चांस का मतलब ये है कि भाई एक F2 जनरेशन के हमारे पास 4 पेड़ बने, 4 के 4 वाइट हो गए, जबकि इसका सिर्फ 25% था और रेड होने के चांसेस क्या थे, 75%। उस 25% में ही ये सारे के सारे वाइट भी हो सकते हैं। तो वो खाली प्रोबेबिलिटी बताता है, वो कोई ऐसा नियम नहीं है, समझ रहे हैं, संभावना बताता है, ठीक। और मैथ ये कहती है कि जिसकी संभावना 50 से ऊपर होती है वो होता ही होता है। मतलब एक सिक्का उछालिए, सिक्के में क्या आता है, या तो हेड आता है या टेल आता है। ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50%। ये आने की क्या है, 50%। तो बराबर संभावना है, आपको पता नहीं है। अगर हेड आने की संभावना है 51% हो जाए और टेल आने की संभावना है 49% हो जाए, तो आप मान के चलिए कि आप सिक्का जब भी उछालेंगे तो अधिकतर क्या आएगा, हेड आएगा।
टेल आने की संभावनाएं कम हो गई है। वो यहां भी यही हो रहा है कि जब भी क्रॉस होगा F1 जनरेशन का F1 जनरेशन के साथ, तो जो हमारे पास F2 जनरेशन मिलेगी तो उसमें ज्यादा चांसेस क्या है कि फ्लावर जो होगा वो रेड कलर का होगा, 75% चांसेस है, जबकि मात्र 25% चांसेस है व्हाइट होने के लिए, इसीलिए 3:1। तो यहां पर जेनेटिक्स का आपका पहला टॉपिक, पहला लॉ कंप्लीट होता है। उस लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? आपसे पूछे जाएंगे कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका रेशियो क्या होता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोलोगे आप, क्या रेशियो होता है? 3:1। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा मतलब टॉपिक था बेसिक। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का रेशियो 3:1 कब का? F2 जनरेशन का। F2 जनरेशन का ही क्यों लिया हमने? क्योंकि नियम है जेनेटिक्स का कि आप सारे के सारे रिजल्ट जो होंगे वो कहां के लेंगे? सिर्फ और सिर्फ F2 जनरेशन के। कोई भी आप नियम सिद्धांत बनाएंगे उसका F2 रिजल्ट ही आप देखेंगे, F1 रिजल्ट आपको कभी भी सही आंसर नहीं देगा। समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़े? जी सर। ठीक है, अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? अच्छा, एक चीज और यहां पर नई चीज सीख लीजिए। मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है आर आर, और ये, ठीक है, ये डोमिनेंट है और ये क्या है? रिसेसिव। रिसेसिव और ये क्या है? डोमिनेंट, ठीक। ये पेरेंट्स हैं, इनका जब भी क्रॉस कराएंगे तो यहां पर कौन सी जनरेशन आएगी? F1। वो सारी की सारी जनरेशन कैसी होगी? ऐसी, ठीक है। इस जनरेशन को हाइब्रिड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब उसमें दोनों कैरेक्टर है, इसका भी कैरेक्टर है ये वाला और इसका भी कैरेक्टर है ये वाला। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। आया समझ में? एक मेरे पास चैट में मैसेज आया है, मिस्टर कृष्णन चंदेल हैं कोई, उनका मैसेज आया है। वो मुझसे पूछ रहे हैं सर जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या होगा। यार अभी हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो डिस्कस नहीं किया, अभी वो हम, मैं सोच रहा था एंड में करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा वेट कर लो, जीनोटाइप फिनोटाइप सब समझा दूंगा। बढ़िया, तो ये पढ़ते हैं हम। तो हाइब्रिड, देखो आपने सुना होगा नाम हाइब्रिड, जैसे हाइब्रिड वैरायटी का टमाटर है इसका बीज उगाओ, हाइब्रिड वैरायटी का फूल है ये ले जाओ। तो हाइब्रिड और कुछ नहीं होता, हाइब्रिड क्या होता है? जिसमें दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट है। समझ में आया? तो इसमें दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट है, एक पेरेंट से इसको डोमिनेंट वाला भी मिला है और एक पेरेंट से इसको क्या मिला है? रेसेसिव वाला भी मिला है। तो ये इसमें दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट है। अब अगर ये इस तरीके का है तब तो ये हमेशा आपको यही मिलेगा, इस पेरेंट की तरह बर्ताव करता हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन क्या होती है, बहुत कम है ऐसी, लोग जानते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, कोई डोमिनेंट नहीं होता कोई रेसेसिव नहीं होता। उस कंडीशन में हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड बहुत अच्छी ब्रीड मानी जाती है। तो वहां पर हम सीखेंगे आगे चल के अभी, ठीक है। तो यहां पर आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस थोड़ा सा कंप्लीट होता है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपको और कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक। आपको ये पता होगा कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे टोटल? मेंडल ने सात कैरेक्टर लिए थे। आपको कैरेक्टर्स के नाम याद हैं? कोई भी बुक उठाएंगे उसमें मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, सारे के सारे अच्छे से समझा दूंगा। सेवन कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे, और कौन से प्लांट पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था? पाइसम, नहीं नहीं पाइसम
सटाइवम, अब आप साइंटिफिक नाम से बोलेंगे, ठीक है, इसी को आप पी प्लांट भी बोलते हैं। अच्छा, पी प्लांट की कोई एक खासियत बता सकते हैं आप? पी प्लांट की कोई खासियत बता सकता है मुझे इतने स्टूडेंट्स में से? कोई भी आप में से कोई कुछ बता दे? नहीं पता? पी प्लांट जो होता है वो लेग्यूम फैमिली का प्लांट होता है। लेग्यूम फैमिली वो फैमिली होती है प्लांट की जो जड़ों से नाइट्रोजन को फिक्स करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन सुना होगा आपने, तो जी सर। ये लेग्यूम फैमिली। लेग्यूम फैमिली कौन सी होती है? फलीदार। आप जो भी फली में, फली के अंदर लगता है, जैसे दालें होती हैं फली के अंदर लगती है ना, मटर भी तो फली के अंदर लगता है। फली क्या होती है? छिलका। ये मटर का छिलका जी होता है, मटर के बीज इसके अंदर होते हैं, होते हैं। तो ये बाहर का जो होता है, ये फली बोलते हैं इसको, ठीक है। जितनी भी आपकी दाल होती हैं, बीन होती है, राजमा है जैसे, या और कोई दाल है, वो सारी की सारी फलियों के अंदर लगती हैं ऐसे, इस तरीके से। तो ये जितने भी फली वाले पौधे होते हैं, इनको लेग्यूम फैमिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेग्यूम, ठीक है। और इन सब पौधों की खास बात क्या होती है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, जब हम बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, ये माइक्रोबायोलॉजी, ये सब पढ़ेंगे। इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाम सुना है नाइट्रोजन फिक्सिंग करके कुछ कभी? यस सर। बस वो यही है, ठीक है। तो मटर का पौधा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे। अब 7 कैरेक्टर क्या थे वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल लॉज जो पढ़ रहे थे उन्हीं को आगे पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक बच्चे ने ये जीनोटाइप फिनोटाइप पूछा था, वो आपको समझा देता हूँ। चलिए, हमारे पास ये एक प्लांट है, ठीक है, या फिर हम वही अपना नॉर्मल जो ले रहे थे वही एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, ठीक। जब हमने इसका क्रॉस कराया तो पहली जनरेशन हमको ये मिली, ठीक। ये पेरेंट थे, यहाँ पर हमको F1 जनरेशन मिली। हमने फिर क्या किया, F1 को F1 से क्रॉस कराया, तो हमको F1 क्रॉस F1 अगर हम कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर F1 F1 क्रॉस कराया तो हमको जनरेशन क्या मिली यहां पर? पहली, दूसरी, ये हमको प्रोजेनी मिली, ठीक है। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है ये देखते हैं। जीनो टाइप और फिनो टाइप, देखिए फिनोटाइप सबसे पहले समझिए कि फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप का मतलब ये होता है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, कैसा दिख रहा है। जैसे ये F1 जनरेशन जो है ये कैसा दिख रहा है? रेड। पेरेंट कैसे दिख रहे हैं? ये रेड। ये वाला पेरेंट कैसा दिख रहा है? व्हाइट। तो ये जैसे दिख रहे हैं ये इनका फिनोटाइप है। तो कोई आपसे पूछे फिनोटाइप क्या है तो रेड व्हाइट रेड, ये इनका फिनोटाइप होगा, ठीक। जीनोटाइप थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। जीनोटाइप क्या होता है? इनका जेनेटिक मेकअप समझते हैं। देखिए, जेनेटिक मेकअप समझने का मतलब ये है कि ये भी रेड है और ये भी रेड है, दोनों रेड है। तो ये जब हम जेनेटिक्स के सिंबल यूज करते हैं तो ये जीनोटाइप कहलाता है, समझ में आया। और अपीयरेंस इनकी जो होती है वो फिनोटाइप कहलाती है। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो आपसे पूछा जाएगा, इसका F2 जनरेशन का। ये F2 जनरेशन थी हमारे पास। देखिए, सबसे पहले इनका फिनोटाइप रेशियो देखते हैं। फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है इनकी, ये कैसा होगा? रेड। ये कैसा होगा? रेड। ये भी कैसा होगा? रेड। जबकि ये कैसा होगा? व्हाइट। तो
फिनोटाइप, फिजिकली ये कैसे दिख रहे हैं, तीन लाल हैं और एक क्या है व्हाइट है, तो 3:1 इनका फिनोटाइप रेशियो होगा। जीनोटाइप रेशियो कैसा होगा वो समझेंगे। जीनोटाइप प्योर वैरायटी का रेड एक है, हाइब्रिड वैरायटी के रेड क्या है दो है, और प्योर वैरायटी का व्हाइट क्या है एक है, तो ये इनका जीनोटाइप रेशियो हो गया 1:2:1, जबकि फिनोटाइप रेशियो क्या है 3:1। तो यहां तक कोई दिक्कत, जीनोटाइप फिनोटाइप आ गया समझ में? यस सर, आ गया ना। ये देखिए ये प्योर वैरायटी का रेड है, इसमें दोनों कैपिटल डब्ल्यू जीन है, जबकि ये वाला और ये वाला हाइब्रिड है, तो इसीलिए दो हाइब्रिड हमारे पास है जेनेटिक्स में, और ये प्योर वैरायटी का वाइट है 1, तो इसीलिए 1:2:1 इनका क्या है जीनोटाइप रेशियो, और फिनोटाइप रेशियो है हमारे पास क्योंकि है तो वो सबके सब रेड, तो 3:1। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा जीनोटाइप रेशियो फिनोटाइप रेशियो, तो आप याद रखेंगे कि 3:1 हमारे पास फिनोटाइप रेशियो है और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, कुछ भी इसमें कहीं पर भी कोई अगर चीज समझ में नहीं आई है तो। लॉ ऑफ, अगर मैं अभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या दूसरा लॉ या तीसरा लॉ स्टार्ट करता हूँ तो वो हमारे पास इतना समय नहीं बचा है, 8 बजने वाला है और मेरी एक क्लास और है अभी थोड़ी देर में, तो मैं आपको अभी तो वो पढ़ाऊंगा नहीं, कल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप फिलहाल यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको एक होमवर्क दे देता हूँ मैं, आप मेंडल के 7 कैरेक्टर कल पढ़े रहिएगा, उसने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर लिए थे, वो 7 के 7 कैरेक्टर आप हल्का सा एक रीडिंग करे रहिएगा कोई भी बुक से या इंटरनेट से निकाल लीजिएगा। मैं कल आपको 7 कैरेक्टर्स पहले समझाऊंगा और फिर उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूरा करेंगे। सर कल जूलॉजी होगी या बॉटनी होगी? पहले जूलॉजी कंप्लीट कर लेते हैं फिर बॉटनी कंप्लीट कर लेंगे, जैसा आप कहते हैं, आधा अधूरा कुछ नहीं छोड़ना है। आधा अधूरा अगर हम छोड़ेंगे ना तो फिर ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के। तो जेनेटिक्स तो दोनों में कॉमन है, चाहे जूलॉजी पढ़ो चाहे बॉटनी पढ़ो, सेल बायोलॉजी दोनों में कॉमन है, चाहे जूलॉजी पढ़ो बॉटनी पढ़ो, ठीक है। और जो बॉटनी का इसमें देखिए, जो बॉटनी का पार्ट है वो क्या है, एल्गी पढ़ना है, ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म पढ़ना है, थोड़ी टैक्सोनॉमी पढ़नी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें वो प्लांट फिजियोलॉजी होती है, फोटोसिंथेसिस वगैरह और क्रेब्स साइकिल, ये सब चीजें होती है ना, तो वो हम पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बॉटनी सरल है, बॉटनी के पीछे मत भागिए, ठीक है। जूलॉजी भी सरल है। अब आप अगर इस तरीके से चाह रहे हैं कि 3 दिन हम ये पढ़ें जूलॉजी और 3 दिन बॉटनी, तो उसमें ना आप ये पढ़ पाएंगे अच्छी तरह ना ये। टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, पहले हम जेनेटिक्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी टाइम लगता है, 10 दिन 15 दिन जितना भी लगता है, 20 दिन जितना भी जेनेटिक्स, टोटल जेनेटिक्स एक बार कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेल बायोलॉजी के बाद फिर हम फिर जो आप कहेंगे वो पढ़ा देंगे, लेकिन ये दो सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के बिना ना जूलॉजी है और ना बॉटनी है, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक बुक है जिससे आप लोग पढ़ते हैं, कोई बुक? सर ऐसे कोई बुक नहीं है। आप लोग पढ़ते किससे? आप लोग क्वेश्चन बैंक वगैरह तो नहीं लेके रखी है कि क्वेश्चन देखे और बस है? वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऑप्शनल, बस रट लो क्वेश्चन। देखो एग्जाम पास करना मकसद मत बनाना, ठीक है, नॉलेज मकसद बनाना। नॉलेज तो बायोलॉजी की एक बार आ जाएगी ना, सारे एग्जाम पास कर लोगे, कोई टफ नहीं है, ठीक है। फिर चलिए कल हम करते हैं आगे कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।